Hello students, I hope all of you are doing well and you are quite safe at your home. Today we have to start this chapter, banking companies. Basically, banking companies are regulated by Banking Regulation Act 1949 and not by this Companies Act 2013. मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑब्वियसली जितने भी कंपनीज हैं जो जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है दे हैव टू फॉलो द फॉर्मैट गिवन इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बट बैंकिंग कंपनीज को जो फॉर्मैट फॉलो करना है फॉर देयर फाइनल अकाउंट्स लाइक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर इनकम स्टेटमेंट तो उनको वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गिवन है. तो इस चैप्टर में लाइक थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होगा तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है. तो अराउंड 4-5 कंसेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ एसेट क्लासिफिकेशन फॉर द बैंकिंग कंपनीज. तो बैंकिंग कंपनीज के लिए मेजर जो एसेट है वो है उनकी लेंडिंग, जो वो लोगों को लोन देते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, टर्म लोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं. तो जो बॉरोअर है वो अगर टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है तो उसको तो हम बोलेंगे परफॉर्मिंग एसेट और स्टैंडर्ड एसेट्स. लेकिन अगर बॉरोअर के पार्ट से डिफॉल्ट है तो फिर आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में. अब क्या है, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बार अगर आपने क्लासिफाई कर लिया, और ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सब आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से करना होता है बैंकिंग कंपनीज को. एंड अब इसमें क्या है, एक बार अगर आपने क्लासिफाई कर दिया तो जैसे हम नॉर्मल अकाउंट्स पे देखते हैं वेर यू फॉलो दिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दैट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट. सिमिलरली जो एसेट्स बैंक के नॉन परफॉर्मिंग है या जिन पे बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट बहुत टाइम से रिसीव नहीं हो रहा तो उसको वो प्रोविजन बनाएंगे सो दैट कि आपका इनकम स्टेटमेंट या जो प्रॉफिट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे. तो आपको कितना प्रोविजन बनाना है वो प्रोविजन का परसेंटेज भी आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है. और आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकिंग कंपनीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करने हैं. जैसे अगर एसेट परफॉर्मिंग है तो उस पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स बहुत ही कम है, उस पर भी प्रोविजन है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज का प्रोविजन बनाना है. और जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग है तो उस पे प्रोविजन का परसेंटेज अभी आप देखोगे कि कितना हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. फिर क्या होता है, बैंक्स जो लोन देती हैं वो दो कैटेगरी में आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते थे हो एज सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स. सिक्योर्ड लोन्स में बैंक ने कोई ना कोई सिक्योरिटी लिया हुआ है बॉरोवर से, और अनसिक्योर्ड लोन्स है कि आपने कोई सिक्योरिटी उनसे नहीं लिया. तो सिक्योर्ड एक्सपोजर पे कितना प्रोविजन होगा, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर पे कितना प्रोविजन होगा, वो सब आरबीआई ने लाइक परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसी परसेंटेज के हिसाब से हम प्रोविजन बनाते हैं. तो सबसे पहले लाइक बिफोर मूविंग ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ प्रोविजंस ऑन परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफाई करते हैं कि एसेट्स को परफॉर्मिंग कब बोलोगे और एसेट्स को आप नॉन परफॉर्मिंग कब बोलेंगे. और नॉन परफॉर्मिंग में भी फर्दर क्लासिफिकेशंस है. नॉन परफॉर्मिंग में भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज सब स्टैंडर्ड एसेट, एज डाउटफुल एसेट एंड एज लॉस एसेट. तो अब जो नेक्स्ट ये है कि लाइक इसका मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है वो देखते हैं.